नमस्कार, आप देखने छा न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं छू आप दगाड़ लता। खबरों की शुरुआत करूल पहाड़ बुलेटिन दगाड़। बागेश्वर जिले में सड़कों का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू हल। यह बातें जानकारी देते हुए विधायक चंदन राम दासल बता कि यह मामले के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों लगा बातचीत है। उन्होंने बता कि बरसात के बाद पूर्व जिला सड़कों का निर्माण कार्य और डामरीकरण तुरंत शुरू करी जाल। विधायक कल बता कि निर्माण कार्य नवंबर बटी शुरू करी जाल। वह कल आवा जो सड़कों काम अधूरा बच रहा वो काम के लिए जल्दी शुरू कर दिया। अभी मैंने 2-3 दिन पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उसमें पीडब्ल्यूडी के सभी एई एक्शन लोगों को मैंने बिठाया था और मुख्य उद्देश्य था कि 15 सितंबर के बाद बरसात समाप्त हो रही है और कोरोना काल के कारण जो काम हमारे रुके थे और बरसात की वजह से जो रुके हैं उन कामों को तत्काल अब शुरू करने की आवश्यकता है। इसमें 4 काम हमारे ऐसे हैं जिनके लिए मैंने पूर्व पैसा दिया हुआ है। एक तो ये तुनेड़ा बसेत जो मोटर मार्ग है उसमें डामरीकरण का पैसा दिया है और किमोली वाली रोड में डामरीकरण का पैसा दिया हुआ है। पदना से सक्तेश्वर वाली में डामर के लिए पैसा दिया हुआ है और बैजनाथ से सिमार तक जो मुख्य मार्ग है कौसानी वाला इसमें मैंने पैसा दिया हुआ है। गरुड़ से कपकोटी मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए पैसा दिया हुआ है। तो इसमें तो मैंने ये तत्काल निर्देश दिए हैं कि इनको तत्काल आप जो है इसमें डामरीकरण का कार्य शुरू करें ताकि नवम्बर लास्ट तक जो जब तक ये डामरीकरण हो सकता है उसमें जल्दी डामरीकरण काम शुरू हो जाए। बागेश्वर जिले में बंद पड़ी सरकारी स्कूलों के फिर खुलने का कवायद शुरू हो गए। दरअसल कपकोट ब्लॉक का बास्ती प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या कम होना कारण या बंद है चीज जैकबाद ग्राम प्रधान केदार मेहर और शिक्षा मित्र गोविंद सिंह के प्रयासों के बाद यह स्कूल को खोलने की तैयारी फिर भी करी जाने। फिलहाल स्कूल में गाँव 5 नंतिनाग ने एडमिशन कराई जरो वह अलावा यहाँ ग्राम प्रधान केदार मेहरा कंच के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा मित्र के अलावा स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्ति करी जाए जैक बाद स्थानीय अभिभावक लापन नंतिना के स्कूल भेजना के लिए तैयार हल। हमारे ग्राम पंचायत बास्ती के राजेश्वर गांव द्वारी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय द्वारी में सभी ग्रामवासियों ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें एक साल से जो ये विद्यालय बंद हुआ था छात्र संख्या की कमी के कारण, तो उस समस्या को दूर करते हुए विद्यालय को फिर से चालू करने के लिए पुनर्संचालन करने के लिए यहाँ पे बैठक की गई जिसमें गांव के बहुत सारे लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और सभी के सहयोग से गांव का यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर से चालू होने जा रहा है और इस समय लगभग 5 बच्चे गाँव से इस विद्यालय में अपना प्रवेश ले रहे हैं। और हमने आज यहाँ पर गांव वालों के साथ बैठक करके और स्कूल की जो प्रबंधन समिति होती है उसके साथ बैठक करके प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे जो है शिक्षा विभाग तक भेज दिया जाएगा और शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालय को फिर से चालू करने के लिए पुनर्संचालन करने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय द्वारी के पुनर्संचालन के लिए ग्राम प्रधान श्री केदार सिंह महर्जी की अध्यक्षता में आज हमने एक बैठक का आयोजन विद्यालय में किया जिसमें समस्त ग्रामवासी चाहते हैं कि विद्यालय फिर से खुले। ये विद्यालय सत्र 2019-20 से छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हो गया था और यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षा मित्र श्री गोविंद सिंह महर हैं इनको राजकीय प्राथमिक विद्यालय बास्ती उसके पश्चात राजकीय प्राथमिक विद्यालय दोसादा समायोजित कर दिया गया था विद्यालय ये शिक्षा विभाग के द्वारा। पहाड़ बुलेटिन देखना लीजिए, आप लोग बनी रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड दगड़। नमस्कार।